1642 में जन्मे अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक और फिलोसफर सर आइजक न्यूटन ने अपने कई आविष्कारों से इस दुनिया को समझने की कोशिश की, जिसमें उनके मोशन के 3 लॉज यानी नियम शामिल थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो हमेशा रेस्ट में रहता है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। दूसरे शब्दों में, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। यही लॉ आपने कई जगह ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि जब खाने की टेबल के ऊपर रखे टेबल क्लॉथ को जोर से खींचा जाता है तो उस पर रखी डिशेज टेबल पर ही रह जाती हैं, क्योंकि डिशेज शुरू में रेस्ट में थी इसलिए वो अभी भी रेस्ट में ही रहेंगी। इसी तरह जब एक सुपर फास्ट मेट्रो ट्रेन अपने किसी स्टॉपेज पर रुकती है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्री ट्रेन की पहले वाली यूनिफॉर्म स्पीड से ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाते हैं। रेस्ट या मोशन में रहने की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अक्सर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पर किसी भी फोर्स द्वारा जनरेटेड एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के समान होती है और ये ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेसिकली इसका मतलब है कि ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को कम मास वाले ऑब्जेक्ट की तुलना में मूव या एक्सेलरेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल फोर्स अपॉन ऑब्जेक्ट के टोटल मास के बराबर होती है, इसलिए a equals f divided by m। यहां हम एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, फोर्स को न्यूटन्स में और मास को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जब फोर्स इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है और जब मास इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक 10 किलो के बॉक्स को 20 न्यूटन्स के फोर्स से ग्राउंड पर पुश करते हैं। बॉक्स का एक्सेलरेशन हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स अपॉन मास के इक्वल होता है, तो यहां पर यह होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप फोर्स को 10 न्यूटन से और बढ़ा देंगे तो बॉक्स की एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगी और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अब यदि हम बॉक्स का मास 20 किलो इंक्रीज करते हैं लेकिन फोर्स सेम रखते हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी और इस केस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह जाएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के अगेंस्ट पुश करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट के फोर्स द्वारा अपोज किया जाता है, जो कि मैग्नीट्यूड अर्थात मापांक में तो बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। हर एक्शन या क्रिया के इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन या प्रतिक्रिया होती है। जब भी आप किसी दीवार के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं तो वही दीवार आप पर एक इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाती है। जब आप चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं और अपने पैर को जमीन पर नीचे की तरफ पुश करते हैं तो जमीन आपके पैर पर ऑपोजिट फोर्स लगाती है। हर एक्शन और फोर्स के इक्वल बट ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है।